हाय एवरीवन, हमारी बेसिक कुकिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नई रेसिपी बनाएंगे, तो चलिए अपनी नई रेसिपी देखते हैं। हमारी नई रेसिपी है नींबू अदरक मिर्च का हम अचार बनाएंगे। तो हम नींबू ले लेंगे, यह नींबू हमारे घर की है। ये मैंने अदरक 200 ग्राम तक लिए हैं। तो आप इस तरह से साफ़ सुथरे बिल्कुल अदरक ले लीजिए। अगर आपके यहाँ धूप है तो आप इसे धोकर अच्छे से सुखा लीजिए धूप में, और धूप नहीं है तो आप इसे गीले कपड़े से पोंछकर थोड़ी देर ऐसे ही रख दें, हवा लग जाए, सूख जाए, उसके बाद आप इसको बनाएं। तो अदरक मैंने ले लिया है, इसको धो लिया था। ये देखिए, इस तरह से हम छील लेंगे अदरक को अच्छी तरह चाकू से। तो इसी तरह हम सारे अदरक को छील लेंगे। ये सारे अदरक छील लिए हैं मैंने। अब हम इसे या तो आप काट के बनाएं इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कर लें अदरक को, या तो आप ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए, ये मोटे वाले से। इसमें क्वांटिटी का कोई बाउंडेशन नहीं है, आप चाहे भी जितना भी चाहें उतना ले सकते हैं, जितना भी आपको अचार बनाना हो उतना ले सकते हैं। ग्रेट करके भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, मोटे वाले से ग्रेट कर लिया है। और इसी तरह हम छोटे छोटे मिर्च को भी काट लेंगे। ये देखिए, ये भी छोटे छोटे काटे हैं, तो आप भी इसी तरह काटें। और ये नींबू, नींबू के भी आप छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। ये देखिए, बीज को निकाल दीजिए। एक नींबू में 8 टुकड़े कर लीजिए, और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए नींबू के। इसी तरह हम सारे काट लेंगे। ये सारे अदरक मिर्ची कट गए हैं, तो आप भी इसी तरह छोटे छोटे टुकड़े ही काटिएगा। मिर्च मैंने तीखा वाला लिया था, तो थोड़ा ही लिया है। तो काटने के बाद एक बड़ा डब्बा लेंगे, जिसमें हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर सकें। और ये अदरक को भी इसी में डाल लेंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी आता है ये अचार। दाल चावल के साथ आप खा सकते हैं इसे, बहुत ही टेस्टी लगता है ये अचार खाने में, और हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें अदरक और नींबू, नींबू में वैसे ही विटामिन सी होता है पर्याप्त मात्रा में, और ये फाइबर बहुत फायदेमंद होते हैं। नींबू को हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा निचोड़ लेंगे, और इसके छिलकों को हम फेंकेंगे नहीं, ये छिलके भी हम इसी में डाल देंगे। ये देखिए, कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल पीले वाले ही, पके पके ही नींबू लें, ताकि इसका अचार बहुत ही अच्छा बने। बीज को हम निकाल देंगे, अलग कर देंगे, और नींबू को इस तरह से थोड़ा थोड़ा ही निचोड़ेंगे। गर्मी में, ठंड में आप कभी भी इस अचार का सेवन कर सकते हैं। तो चलिए, अब इसमें हम थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे, 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून काला नमक और 1 टीस्पून सादा नमक, और इसको मिला देंगे अच्छे से। और इसे 1-2 दिन तक मिक्स करते रहें, इसको हिलाते रहें, 2-5 मिनट के लिए ज़रूर हिलाएं, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए नमक उसमें। और 2 दिन के बाद ये अचार बिल्कुल खाने लायक हो जाता है। और धीरे धीरे ये नींबू भी है, ये नींबू के छिलके भी गल जाते हैं, पूरा अचार बन जाता है इसका भी, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है नींबू का भी। ये देखिए, जूस
जो मैंने नींबू का डाला था, अभी ये पानी और भी छोड़ेगा। तो इस तरह से इसमें और भी कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। अजवाइन भी हमारे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, काला नमक भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है पाचन के लिए, अजवाइन और काला नमक दोनों ही। तो आप ये अचार ज़रूर बनाएं। तो ये अचार कोई भी खा सकता है, जिसे अचार खाना मना है वो भी अचार खा सकता है।